सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो में। सबसे उस गाइस, पिछली वाली वीडियो में हमने कवर किया था थारा भाई छछुंदर को, तो आज की इस वीडियो में हम लेंगे पागल जोन, सॉरी पायल जोन को। तो अगर आप इस चिमकांडी को नहीं जानते तो यार आप बहुत अच्छी दुनिया में हो, आप इसे नहीं जानते। अगर आपने इसे जान लिया ना गाइस, कसम से कह रहा हूँ आपको उल्टी आ जाएगी अगर आपने इसकी वीडियो को ऑन भी कर लिया। और ये पता नहीं क्या है भाई, कुछ भी किसी को भी कभी भी मार देती है। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, पायल जोन के बारे में। ये जो लड़की है ये किसको भी मार देती है, कभी भी मार देती है, कहीं भी मार देती है। तो इन दीदी की वीडियो होती है बाहर स्नैपचैट के फिल्टर जैसी और अंदर आधार कार्ड की फ़ोटो जैसी। तो यार पायल जोन का कहना है कि सौरव जोशी की जो ऑडियंस है इसे घर पे मारने आई थी। अरे दीदी, आपको कोई घर के अंदर घुस के मार के जाएगा क्या? और दीदी तो ये भी कह रही है कि वो सौरव जोशी की नहीं, कैरी मिनाटी की ऑडियंस है। एक बार यार ये वाली वीडियो देखो तो आप लोग चौंक जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन घिसक जाएगी। गाइस ये कहीं सुना सुना सा नहीं लग रहा, तेरे जमीन के नीचे से ना, तेरे पैर के नीचे से जाएगी। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि सौरव जोशी एक इतने ज्यादा बुरे इंसान है कि वो किसी के साथ ऐसा कर सकते। अरे पागल जोन और सॉरी पायल जोन। अरे यार मुझे ये तो बताओ, इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हो तुम? एक आंख फूटी पड़ी और बोर्ड पे आपको इतने अच्छे से लिखना आ रहा है, यार कुछ शर्म करो। लेकिन आपको दोस्तों मानना ही पड़ेगा। नहीं दीदी, हम नहीं मान रहे। अरे भाई इतना झूठ बोलोगी तो कौन सा कोई मान लेगा। शाबाश बेटा, क्योंकि इस चीज के मेरे पास पूरे सबूत है। ना दीदी ऐसे झूठ तो मत बोलो यार, मैंने इसकी पूरी वीडियो देखी है, इसने कोई घंटा सबूत नहीं दिखाया। ये बहुत बड़ी झूठी है, ये बहुत बड़ी स्कैमर है, दूसरों को ऐसे नीचा दिखाना चाहती है ताकि वो रिप्लाई दे और इसे मिले कंटेंट। सो गाइस पायल जोन कहती है कि जो ट्रिगर्ड इंसान की पूरी मतलब फैमिली है, सब्सक्राइबर्स हैं, वो वंडर सब को सब्सक्राइब करते हैं और इसी की मदद से वंडर सब के इतने सब्सक्राइबर हैं। अरे भाई, जब सब्सक्राइबर्स की मर्जी की वो किसी को भी सब्सक्राइब करे, तेरा क्या जाता है, तू क्यों जल रही है? सही खेल। और हाँ, मैंने इसकी वीडियो की एक चीज़ देखी है, इसकी वीडियो पे लाइक से ज़्यादा डिसलाइक होते हैं और उसका एक नमूना आप यहीं देख लो। और गाइस अगर आप इसके चैनल पे गए होगे तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इसके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा मरने की वीडियो होती है, क्योंकि इसके चैनल का टॉपिक ये है कि आज इसे मारना है, आज उसे मारना है, कल उसे मार देंगे, आज इसे मार देंगे। तो इसका एक नमूना ये भी देख लो। अगर पायल जोन दुकान वाले के पास जाती है और वहाँ बोलती है मुझे मैगी दे दो, और दुकान वाला बोलता है रिप्लाई में कि मैगी नहीं है, तो ये पता क्या बोलेगी? आप कैरी मिनाटी के फ़ैन हो ना? नहीं, आप सौरव जोशी के फ़ैन हो ना, तभी आप मुझे मैगी दे रहे। अब देखना, 2 मिनट में मैगी बनती है, आपका मैं 1 मिनट में रोस्ट डाल दूँगी यूट्यूब पे। अरे भाई, इन जैसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। और गाइस यही बताना चाहता हूँ, इन जैसे लोगों को ज़्यादा टेंशन मत दिया करो। आप इनके चैनल पे जाते हो बस इसे डिसलाइक देने और वहीं से ये पैसे कमा लेती है। इसके चैनल पे मैंने एक चीज़ देखी है, मिलियनों में व्यूज़ होती है, और अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, इस पे मुझे लगता है ज़्यादा 10 या 15 व्यू होगी। तो वही कह रहा हूँ गाइस, आप अच्छे लोगों को सपोर्ट करो, इन जैसे लोगों को सपोर्ट मत करो गाइस। और यार मुझे तो यार समझ नहीं आता, इसके चैनल पे ये जो 1.2K या ऐसे 1K ऐसे लाइक आ जाती है, ये कौन लोग है भाई? ये अपनी देश के हैं ना? मुझे तो नहीं लगता भाई, इन्हें समझ आता नहीं होगा, आके लाइक कर देते होंगे, मुझे तो ये लगता है भाई। फर्क ही पड़ता है, बाहर में जाओ सारे, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। लो भाई, अब तो दीदी ने खुद कह दिया बाहर में जाओ सारे, यार अब तो बच के रहना पड़ेगा, कभी मेरा भी अब अगले दिन रोस्ट बना दे कि साइबर न्यूक्लियर डाइड, वो भाई बच के रहना पड़ेगा ना। बड़ा है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप फेस कैम करें। तो भाई यहाँ पर ये पागल जोन बात कर रही थी हमारे अज्जू भाई के बारे में, और भाई अज्जू भाई को कह रही है कि आप फेस कैम करें। और गाइस अज्जू भाई के बारे में इसने बहुत कुछ अपशब्द बोला है, तो मैं क्या ही बात करूँ यार, अपने फ्री फायर कम्युनिटी में यार ये ऐसे मतलब हेट फैलाएगी तो यार अच्छी बात नहीं है ना। तो यही बता रहा हूँ यार, ये अज्जू भाई को भी अब लपेटे में ले रही है। ये पता वीडियो क्यों बनाती है? ये सोचती है कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर इसे रिप्लाई देंगे और उसके बाद इसे मिलेगा कंटेंट और इसमें आएंगे भर भर के व्यूज़ और उससे ये कमाएगी पैसे। ये इसकी स्ट्रेटजी रहती है। और वही कह रहा हूँ गाइस, तभी तो यार सौरव जोशी, टोटल गेमिंग और ये सब यार इन्हें रिप्लाई नहीं देते। जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं जिनको कुछ काम धाम होता नहीं है, फ्री रहते हैं,
वो ही इन्हें रिप्लाई देते हैं। पर कई बार यार पायल जोन जो है कुछ ज़्यादा ही फालतू बोलती है, किसी को भी कहीं भी मार देगी और ऐसे मतलब फेक न्यूज़ फैलाएगी, तो ये सही बात नहीं है यार। गाइज मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, जब मैं इसके चैनल पे पहली बार आया था मैंने देखा यार सौरव जोशी यार मर गया, तो मेरा यार रिएक्शन कुछ ऐसा था। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। गाइज मैं आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, ये जो अभी पायल जोन ने बोला था ना कि मुझे सौरव जोशी और कैरी मिनाटी के फैंस मारने आए थे, भाई ये काम ही ऐसे करती है पिटने वाले, तो मारेंगे नहीं क्या?